रहमान रहीम। हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगी वो गोभी गोश्त है और साथ राइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो मैंने अनियन लिए, छोटे अनियन है। अगर आपके पास बड़ा है तो आप बड़े वाला ले सकते हैं। मेरे पास छोटे थे, मैंने दो अनियन लिए। अनियन हमारा हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसी डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून करियांडर पाउडर और कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग एंड ब्लैक पेपर और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना। दो मैंने टमाटर लिए, 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल के इसका फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। तो चिकन हमारा साफ हो गया। अब मैं इसमें गोभी जो कटिंग की है वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो वो भी हमारी हाफ हो गई। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। 3 से 4 मैंने आलू लिए, इसे सेंटर में से मैंने हाफ कर दी है तो वो भी मैं डाल दूंगी। तो माशाल्लाह आलू को भी गोश्त हमारा रेडी है। मैंने 4 ग्रीन चिली भी इसमें डाल दी थी। अब मैं इसमें गरम मसाला ऊपर से डाल दूंगी। अब 3 से 4 टेबलस्पून मैंने लिया फ्रेश करियांडर, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये हमारा रेडी है सालन। तो अब मैं इसे दूसरी साइड पे रख दूंगी और चावल तैयार कर लेती हूँ। तो सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला। मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया और इसमें मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े डाले और 2 मैंने स्टार लिए और 4 से 5 मैंने ब्लैक पेपर लिए साबुत, वो मैंने इसमें डाली। पानी हमारा बॉयल हो गया। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। तो पानी बॉयल हो गया था, अब मैंने चावल इसमें डाल दिए। अब 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी। तो चावल हमारे हो गए। अब मैं इसका पानी निकाल के 10 मिनट के लिए इसे दम पे लगा दूंगी चावलों को। तो माशाल्लाह चावलों का दम आ गया। तो अब इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह हमारा आलू गोभी गोश्त हमारा रेडी है और साथ राइस है। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और बेल का बटन प्रेस करना।